अस्सलाम वालेकुम जी, आप मेरा YouTube चैनल देख रहे हैं। सोहराब बरकत आपसे मुखातिब है। इस वक्त पूरी दुनिया में और पूरे पाकिस्तानियों को मुबारक हो कि भारत ICC T20 वर्ल्ड कप से ऑफिशियली बाहर हो गया है। भारत सेमीफाइनल्स में क्वालिफाई नहीं कर सका। दो के इन्होंने गौ माता की बड़ी बड़ी पूजा की, बड़ी प्रार्थना इन्होंने की, बड़ी तपस्या इन्होंने मानी और मैच फिक्स किया, ICC के साथ मिलकर फिक्स किया, अफगानिस्तान के साथ फिक्स किया, उसके बाद स्कॉटलैंड के साथ जो गेम्स खेली फिक्स खेली और कोशिश की कि किसी तरह से वो वापस आ सके, लेकिन जो जर्ब पाकिस्तान ने इन्हें लगाई थी वहाँ से ये रिकवर नहीं कर सके और एक तारीखी शिकस्त भारत की खेमे में गई है, भारत के मुँह काला हुआ है और भारत एक्सपोज हुआ है। ये हार किस लिए ज़रूरी थी और इसकी इंपॉर्टेंस क्या है, उस पर कुछ बात करनी है। लेकिन उससे पहले आप ये बात समझिए कि इस वक्त भारतीय मीडिया चीख रहा है, वो चीखों पुकार कर रहा है और वो अपने क्रिकेटर्स को धमकियां दे रहा है कि वापस भारत में आए तो हम चीर फाड़ के रख देंगे। नंगी उन्हें गालियां दे रहा है और ये बनता भी है और वो डिजर्व भी करते हैं, क्योंकि हमने देखा है कि इन्होंने IPL बनाकर एक ब्रांड बनाया, दुनिया भर की क्रिकेट को ख़त्म किया, पाकिस्तान जैसे मुल्क को क्रिकेट से आइसोलेट किया और पाकिस्तान में न्यूजीलैंड की टीम को वापस बुलवाया, इंग्लैंड की टीम को वापस बुलाया और कोशिश की कि पाकिस्तान का क्रिकेट हमेशा के लिए ख़त्म हो। ये बाकायदा इन्होंने साजिश की, ये बाकायदा इन्होंने अपनी सियासी मोदी की सरपरस्ती में ये सारी प्लानिंग करके इन्होंने ये इनिशिएटिव्स लिए थे और उसके बाद जब ये क्रिकेट में गए IPL का पैसा चलाकर, काला पैसा काला धन इन्होंने चलाया, ब्लैक मनी सारा जो IPL में आता है, ये ICC वर्ल्ड T20 में गए जहां पर जाकर ये ऑफिशियली एक्सपोज हो गए। दुनिया की बेस्ट बॉलिंग के सामने, पाकिस्तानी टीम के सामने इनकी एक नहीं चली और जो शुरू में पाकिस्तानी उन्होंने जर्ब लगाई थी वहां से इनके लिए रिकवर करना एक कयामत का मंजर बन गया था और मुंह काला करके पहली टीम है जो इस ग्रुप से ऑफिशियली बाहर हुई है और जलालत के साथ बाहर हुई है, शर्मिंदगी के साथ बाहर हुई है और भारत को पता चल गया है कि उनकी जो लीग है, जो फाइनेंशियल मॉडल है, जो IPL है, वो पैसा तो जनरेट कर सकता है, बॉलीवुड को तो इन्वॉल्व कर सकता है, लेकिन क्रिकेट क्वालिटी बेहतर नहीं कर सकता। ये बड़ी सुबकी हुई है हिंदुओं की, भारत की, हिंदू नजरिए की, ये सब की हार है और इसे पूरे पाकिस्तान को, पूरी कौम को, सबको मुबारक हो। बींग अ क्रिकेट फैन मुझे तस्कीन पहुंची है, मुझे सुकून पहुंचा है भारत की इस हार से एंड आप सबको भी यकीनन बहुत अच्छा लगा होगा। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।